हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि कनाडा में जो इन डिमांड जॉब्स है लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सब की तो डिमांड है ही। इसके अलावा काफी ऐसी जॉब्स भी हैं जिसमें आपको यूनिवर्सिटी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन जॉब्स के बारे में जिसमें यूनिवर्सिटी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है कनाडा में। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ये तीन टॉपिक्स। वो कौन सी जॉब्स हैं जिसमें कि आपको यूनिवर्सिटी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उन जॉब के लिए, एंड लास्ट में क्या एवरेज सैलरी है। तो इन सब का आइडिया आपको आज इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। ऑल्सो इन जिस भी जॉब्स की मैं बात कर रहा हूं, इनके लिंक्स जॉब बैंक वेबसाइट के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके रेफरेंस के लिए भी प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहली जॉब है ट्रांसिट ड्राइवर्स। ट्रांसिट ड्राइवर्स वो होते हैं जो कि बस ड्राइवर्स, सबवे ऑपरेटर्स या फिर जो स्ट्रीट कार्स यहाँ पे चलती हैं, उनको जो ऑपरेट करते हैं। एंड इस जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए आपको चाहिए हाई स्कूल डिप्लोमा, एंड उसके अलावा आपको एक प्रोफेशनल ड्राइवर लाइसेंस चाहिए। आगे भी कई जॉब्स में मैं हाई स्कूल डिप्लोमा की काफी बात करूंगा। एंड हाई स्कूल डिप्लोमा जो होता है हमारे इंडिया में, जो 12th होता है, इज सिमिलर टू हाई स्कूल डिप्लोमा हियर। एंड इसकी एवरेज सैलरी की बात करें तो वो रेंज करती है 31,000 कैनेडियन डॉलर से 72,000 कैनेडियन डॉलर। सेकंड जॉब हमारे लिस्ट में है लैंड सर्वेयर। This is someone who plans, directs or controls the legal service of a real estate property. ये establish करता है जो कि boundaries होती है किसी भी property की, and उसके अलावा there are other factors like maps and plots. इसकी अगर requirement की बात करें, you will require a college diploma in service science or geomatics technology. उसके अलावा you should be good in maths and also it will help if you have good understanding of engineering sciences and technology. इसकी average salary होती है 38,000 Canadian dollars से लेके 108,000 कैनेडियन डॉलर्स। अगेन ये जो सैलरी की रेंजेस है ये डिपेंड करती है आपकी नॉलेज पे, आपकी एक्सपर्टीज पे, एंड आपको कितना एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट जॉब हमारी लिस्ट में है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में ये वो लोग होते हैं हु मेक श्योर कि एफिशिएंट मूवमेंट हो रही है जो एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स हैं उनकी टैक्सी वे एंड रनवे पे। इसमें कई लोग रनवे पे फिजिकली भी काम करते हैं, एंड उसके अलावा कई लोग कंट्रोलर रूम में बैठ के भी मैनेज करते हैं। तो दोनों की रिक्वायरमेंट्स में कहीं ना कहीं थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं। ऑन दी होल अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको एक हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए होता है, उसके बाद कई केसेस में आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लाइसेंस भी चाहिए होता है। ऑल्सो देयर इज एन एनएवी कैनेडा ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट यू हैव टू अटेंड टू बिकम एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसमें जो एवरेज सैलरी होती है वो 47,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर से लेके 169,000 कैनेडियन डॉलर तक रेंज करती है। नेक्स्ट जॉब हमारे लिस्ट में है बीइंग अ रियल्टर व्हिच इज अ रियल एस्टेट सेल्स पर्सन। इसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट को जब भी वो कोई घर बेच या फिर खरीद रहे हैं। इसके अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, ऑल यू नीड इज अ हाई स्कूल डिप्लोमा एंड देन यू हैव टू अपीयर फॉर द रियल एस्टेट एग्जाम। एंड इसकी अगर एवरेज सैलरी की बात करें, या तो आप कमीशन ओनली बेसिस पे काम कर सकते हैं या फिर आप एनुअल सैलरी पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, जो कि 25,000 डॉलर पर ईयर से स्टार्ट होकर 150,000 डॉलर पर ईयर कैनेडियन या फिर उसके ऊपर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट जॉब है गार्बेज ट्रक ड्राइवर, जिसमें आप गार्बेज ट्रक जो कि कूड़ा उठाने वाला ट्रक होता है वो आप ड्राइव करते हैं, एंड उसमें मोस्टली आप हाथ से बहुत कम कूड़ा उठाते हैं, मोस्टली मशीन्स लगी होती हैं क्रेन की तरह, एंड वो कूड़े का जो बिन बॉक्स होता है उसको उठा के खुद ट्रक के अंदर डाल देते हैं। नहीं तो कई केसेस में आपके साथ एक हेल्पिंग पार्टनर भी होता है, वो गेट्स डाउन फ्रॉम द ट्रक एंड वो जो रिसाइकल बैग या फिर जो गार्बेज बैग्स होते हैं उनको मैन्युअली उठा के ट्रक के बैक में डालते हैं। एंड इसकी रिक्वायरमेंट में आपको DZ ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, एंड अगर इसकी एवरेज सैलरी की बात करी जाए तो स्टार्ट फ्रॉम समवेयर 33,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर एंड इट गोज अप टू 66,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर। उसके बाद प्लम्बर भी एक ऑप्शन होती है, इसमें आपको हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए होता है। यू हैव टू अटेंड 4 to 5 years ऑफ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको एज अ प्लम्बर एक्सपीरियंस लेना होता है फॉर 4 to 5 years, एंड उसके बाद कई केसेस में आपको ट्रेड सर्टिफिकेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। इसमें जो एवरेज सैलरी होती है वो रेंज करती है 33,000 कैनेडियन डॉलर से स्टार्ट होकर 86,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर। नेक्स्ट जॉब है बीइंग अ फायर फाइटर। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आपको हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए होता है, उसके बाद यू हैव टू बी सर्टिफाइड इन फर्स्ट एड एंड CPR, उसके अलावा इंटेंस सिचुएशंस को हैंडल करने की भी स्किल्स बहुत जरूरी है। एंड जो इसकी एवरेज सैलरी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 40,000 कैनेडियन डॉलर से स्टार्ट होकर 100,000 कैनेडियन डॉलर तक भी जाती है। नेक्स्ट जॉब है ऑटोमेटिव टेक्नीशियन। अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं, अगर आपको पसंद है गाड़ियों के अंजर पंजर ठीक करना, तो मे बी ये ऑप्शन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट में आपको एक हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए होता है, एंड कई मैकेनिक शॉप्स एक ऑटोमोटिव सर्टिफिकेशन की भी डिमांड कर सकते हैं। जो एवरेज सैलरी होती है इसमें 26,000 डॉलर से स्टार्ट होके कहीं ना कहीं 72,000 डॉलर कैनेडियन पर ईयर तक जाती है। एंड हमारी लास्ट जॉब उन सब के लिए हो सकती है जो कि खाने पीने के अलावा खाना पीना बनाने के बहुत शौकीन है, बीइंग एन एग्जीक्यूटिव शेफ।
इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है एक हाई स्कूल डिप्लोमा की, उसके अलावा ट्रेड सर्टिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेसेस। एंड जो इसकी सैलरी की रेंज है वो स्टार्ट होती है 39,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर से लेके 80,000 कैनेडियन पर ईयर तक। यही सारी जॉब्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। ऑल्सो टू एड, जब आप बाहर आते हैं तो हर जॉब की रेस्पेक्ट की जाती है, कोई जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती। एट द एंड ऑफ द डे इज ऑल अबाउट पुटिंग फूड ऑन द टेबल एंड फीडिंग योर फैमिली। तो बस आज यही कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, उनके भी ये पॉइंट्स काम आ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं करा है। दैट्स इट फॉर नाउ, आई विल बी बैक लेटर विद अनदर वीडियो। फॉर नाउ साइनिंग आउट, इंडो कैनेडियन।